एक मीटिंग की और मीटिंग पर इनको कहा कि सभी परिवार को आप कार्ड भिजवा दें, प्रेम से कहो राधे राधे। सबके पास कार्ड गया ही होगा। अच्छा बतलाओ किन के पास कार्ड नहीं गया है, ऐसे ऐसे हिलाओ हमको। देखो जिनके पास भी भैया कार्ड गया है और जिनके पास कार्ड नहीं गया है वो बहुत अच्छे आदमी है, प्रेम से कहो श्री राधे। कम से कम बिना कार्ड के वो यहाँ आ तो गए, कार्ड देने वालों पर देने पर भी वो अभी तक नहीं आए। वो मालूम है कब की वेट कर रहे होंगे, हमें मालूम है, वो संडे की वेट कर रहे होंगे, प्रेम से कहो श्री राधे। कब आएगा, संडे। क्योंकि लोग बागों की ऐसी मानसिकता हो गई कि उसी दिन ही छुट्टी रहती है महाराज, उसी दिन ही छुट्टी। चलो बड़ी विचित्र स्थिति है समाज की। हमें आमंत्रण देकर इन्विटेशन कार्ड पहुंचाने के बावजूद भी हम वहां पर उपस्थित नहीं हो जाते। एक ऐसी जगह है जहां पर बिना बुलाए व्यक्तियों की सायंकालीन अपार भीड़ का दर्शन होता है, प्रेम से कहो श्री राधे। जो खराब वस्तु है ना मदिरा, प्रेम से कहो राधे राधे। देखो महाराज जहां ठेके हो, शाम को 4 बजे से लगा करके रात्रि के 11 बजे तक महाराज जाम जैसा लगा रहता है। जो जीवन को खराब करने वाली वस्तु है वहां व्यक्ति स्वयं पहुंचता है, जो जीवन की सुधारक है, सुधारक बटी है, उस पर लोग बुलाने बुलाने पर भी नहीं आते। दूध जो अमृत है ना, वो दूधिया को दूध आपको घर देने जाना पड़ता है, किंतु शराब, प्रेम से कहो श्री राधे। हम एक हो, एक कट्ठे बेशक न हो किंतु हम एक हो, प्रधानता एक की है। मैं कथा पर अक्सर, मैं ये नहीं चाहता कि बहुत पब्लिसिटी हो, ना 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 ना, मैं नहीं चाहता कि बहुत भीड़ हो, उस मेरे पास 10 हो, उनमें से यदि एक हो वो दत्त चित्त होकर के श्रवण करने वाला हो, बस मुझे एक ही श्रोता काफी है। भैया किसी भी प्रकार से हम एक होने के सूत्र को पकड़ें और उस पर चलने का प्रयत्न करें। आज देश और राष्ट्र की जो स्थिति है वो बड़ी भयावह है। धर्माचार्यों का, गुरुजनों का जब राष्ट्र और देश प्रदेश के प्रति जब चिंतन गहराता है और वहां के उस चिंतन पर वो विकट परिस्थितियों का जब दर्शन करते हैं तो चित्त उनका उद्वेलित हो जाता है, उद्विग्न हो जाता है। फिर उनको धर्म का आश्रय लेकर के, धर्म की सान्निध्यता को प्रदान करके फिर इकट्ठा करना और एक ही भाव प्रदान करवाना पड़ता है। हमारे सनातन धर्म के जो उपासक हैं यदि वो एक नहीं हो पाएंगे तो फिर कौन हो पाएगा। क्योंकि ये धर्म जो है ना वो व्यापक धर्म है, बृहद धर्म है। और अन्य धर्म को आप देखिए महाराज, छोटी सी बात हो जाए तूफान खड़ा कर देते हैं। हम इतने नाबुझ दिल हो गए हैं, वो इसलिए हो गए हैं क्योंकि हमारे अंतर धर्म की जागृति नहीं रही है। जब तक धर्म की जागृति नहीं आई है तब तक आप कांतिवान नहीं बन सकते हो। तब तक आप ठीक है, आप अपने माध्यम से कुछ खा कमा करके, कुछ उल्टा सीधा करके
दस पांच व्यक्तियों पर अपनी यश और कीर्ति का तो विस्तार कर सकते हो, किंतु आप अपने गांव पूरे परिवार पर अपनी यश और कीर्ति को स्थापित कर लो, ये बहुत ही असंभव है। ये तभी ही संभव है जब आपने श्री गोविंद की चरण और शरण को ग्रहण कर रखा है। आपकी यश और कीर्ति का विस्तार गोविंद के चरणारविंद का जो मकरंद है वो प्रदान कर देता है। प्रिय बंधु, 88,100 का ऋषि और श्री सूत जी महाराज से एक प्रश्न किया, गुरुदेव अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा सूता क्या ही कथा सारों मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपके ज्ञान को हम प्रणाम करते हैं और आज हमको आपके ज्ञान की आवश्यकता है। देखो ज्ञान की आवश्यकता क्यों है, इन ऋषियों का यज्ञ सत्र है। कितना सत्र है, कितने वर्ष का संकल्प है इन ऋषियों को, 1,000 वर्ष का यज्ञ करने का संकल्प है। और यज्ञ करने के पश्चात जो शेष समय बचता है उस शेष समय पर श्री सूत जी के चरणों पर बैठ करके ये सोनकाद ऋषि अपने मन के प्रश्नों का समाधान प्राप्त करते हैं और इसी समाधान की इच्छा को लेकर के श्री सूत जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, हे सूत जी, आपका जो ज्ञान है वो अज्ञान का खंडन करने वाला है। प्रेम से कहो श्री राधे। देखो जगत के अंधकार को तो भगवान भुवन भास्कर का प्रकाश जो है वो जगत के अंधकार को दूर कर देता है, किंतु हृदय गत जो अंधकार है वो गुरुदेव का ज्ञान ही दूर कर सकता है और कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो हे गुरुदेव, आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। हमारे हृदयागार पर जो विराजमान अंधकार है आप उस अंधकार को दूर करो। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए और श्री सूत जी महाराज ने कहा, ऋषियों काल व्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हे भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। अरे ऋषियों, उत्तम समय पर आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वास्तव में जितने भी जीव हैं वह सब काल के ब्याल मतलब ग्रास बने हुए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। ये काल जो है ना, समय जो है, ये क्षण और प्रतिक्षण हमको अपना ग्रास बनाता हुआ जा रहा है, किंतु हम ग्रास बनते हुए नजर नहीं आ पा रहे हैं। वह इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है। अज्ञान के कारण से काल की गति जो है वो हमें दिखलाई नहीं पड़ती है, किंतु ज्ञान की ज्योति से यदि उस काल की गति का दर्शन करना चाहोगे तो वह दिग्दर्शन हो जाएगा। इसलिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। देखो अभी तक आपने जिसको अपना माना या कुछ जाना तो वह ज्ञान के द्वारा ही तो पहचाना, और जब तक ज्ञान नहीं है तब तक प्रीति नहीं हो सकती है। प्रेम से कहो राधे राधे। जाने बिन ना होय परिती, जाने बिन ना होय परिती, बिन परिती होय नहीं प्रीति, बिन परिती होय नहीं प्रीति। जाने बिन ना होय परिती, हो जाने परिती,
तब तक कन्हैया से आपकी प्रीति नहीं हो सकती है, और जब तक आपका दिल नहीं मिला है तो दिलगत बातें भी नहीं हो सकती हैं। फिर तो कहीं ना कहीं दर्शन तो होगा, लेकिन जो हृदय गत का जो संवाद है ना, वो नहीं हो पाएगा। हृदय गत का जो संवाद है वो प्रेम होने के पश्चात ही होता है, उसके पूर्व नहीं होता है। वास्तव में गोविंद ने ये जो अवसर प्रदान किया है, यह संवाद का अवसर दिया है। हाँ, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहना कि जो आए हैं, पूरे नहीं आए हैं, वो सब आएंगे, पर आएंगे वही। हम गाते हैं ना, अभी गाने वाले हैं कि पितर पक्ष समाप्त होते ही महाराज हैं, फिर गाने लग जाएंगे हम लोग। चलो बुलावा आया है, हैं? माता ने बुलाया है। वास्तव में जिसे कन्हैया बुलाता है ना, जिसे वो चाहता है, जिससे वो प्रेम करता है, उसे ही अपने सामने बिठाता है और फिर उससे वो मीठी मीठी बातें करता है। वो अपनी हृदय गत की बात कर लेता है, भक्त अपनी हृदय गत की बात कर लेता है। भैया, ज्ञान के उदय होते ही प्रेम का विस्फुरण हो उठता है। सच मानो, जिस दिन आपके हृदयागार पर नंद नंदन के प्रति प्रेम का उदय हो गया ना, तो आपको फिर बेचैन नहीं होना पड़ेगा, आपको ट्रेस में नहीं रहना पड़ेगा, आपके जीवन का जो तनाव है वो पलायन कर जाएगा। ये सच मानो, एक बार दिल लगी करके तो देखो। अरे अभी तक दिल लगी की हमने तो वो बेटे से की, हमने अपने व्यवसाय से की, हम अपने माँ से की, हम अपने पिता से किए। अरे एक बार हम हमारे कहने से कन्हैया से एक बार करके तो देखो, तुम्हारे हृदय पर एक अलग आनंद की ज्योति का प्रस्फुरण नहीं हो जाए। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो इस दिल लगी का क्या हाल होता है, वो बेहाल हो जाता है जब उससे दूर होता है। जिस जिसने भी इससे अपना नाता जोड़ना, क्योंकि आज का जो दिवस है ना, वो संबंध का दिवस है, प्रेम से कहो श्री राधे। और भागवत का जो प्रारंभ होता है वो संबंध से होता है, प्रेम से कहो श्री राधे। विश्वास से शुरुआत होती है, मध्य होता है संबंध से, और अंत होता है समर्पण से, प्रेम से कहो श्री राधे। पहले विश्वास तुम्हारे जीवन पर आना चाहिए, फिर जब तुम्हारा मध्यकाल आए तब तुम्हारा संबंध बन जाना चाहिए, और जब तुम्हारा संबंध बन जाए तो गोविंद को सर्वस्व अर्पण कर देने की वृत्ति आ जानी चाहिए। बस यही है भागवत, और कुछ नहीं है। सब काल ब्याल बनते जा रहे हैं, फिर भी हमको नजर नहीं आ रहा है, प्रेम से कहो श्री राधे। हम कब बचपन पर थे, कब युवा पर पहुंचे, और कब बूढ़े हो गए पता ही नहीं चला महाराज। और धीरे 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 ऐसा समय आया कि एक दिन चले गए। जब हम किसी से साल दो साल बाद मिलते हैं ना, या कहीं हम परदेश गए हुए हो ना, और जब वहां से लौट करके आते हैं तो जब वो चेहरा दिखलाई नहीं पड़ता है, तो हम अपने पड़ोसी इष्ट मित्र से एक बात पूछते हैं, भैया वो नहीं दिखलाई पड़ रहे,
एक ही बात आती है, वो तो चले गए। हमें भी एक दिन भैया जाना है, हमें भी ग्रास बनना है। ग्रास बनने से पहले हम किसके ग्रास बन जाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। काल के ग्रास हम बनेंगे, वो मृत्यु एक शाश्वत सत्ता है, उस सत्ता को हम झुठला नहीं सकते, उसे हम नकार नहीं सकते। किंतु बात यह है, मृत्यु के सिद्धांतों को हम आगे श्रवण करेंगे। किधर जाना है? प्रेम से कहो श्री राधे। अरे भाई, एरो लगा रहता है तो व्यक्ति को, एरो लगा रहता है तो व्यक्ति को पता चल जाता है ना कि ये टैगोर गार्डन के लिए इंगित कर रहा है। टैगोर गार्डन जस्ट पास पे ही है, इसी ओर ही जाओ। हैं? तो उद्धव से भगवान ने कहा, अरे उद्धव, मैं अब कहीं नहीं जा रहा हूं। उद्धव के देखते देखते भगवान का जो दिव्य तेज था, वो दिव्य तेज आकाश मंडल पर खिल करके और महाराज दिव्य ज्योति आकर के भागवत पर एकदम विलीन हो गई। बोल भागवत भगवान की। इसलिए तेने वांगमय मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते। हरे, ये श्री कृष्ण का वो स्वरूप, वो दिव्य तेज समाहित। जब तुलनात्मक दृष्टि से देखा है तो भागवत का ही पढ़ना भारी रहा है। हम सब लोग मिलकर के भागवत भगवान दार्शनिक जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को हम आगे के प्रसंगों पर विस्तृत रूप से हम चर्चा श्रवण करेंगे। मृत्यु क्या है? प्रायः लोग मर जाता है, वो कहता है मोक्ष हो गया, वो ब्रह्मलीन हो गया, वो स्वर्गवासी हो गया। उसके लक्षण हैं, बहुत ध्यान देना। कौन स्वर्गवासी होता, कौन मोक्ष का गामी होता है, कौन ब्रह्मलीन होता है, शास्त्र के विशिष्ट दिशा निर्देश हैं। हमारे लिख देने मात्र से चित्रपट पर नहीं वो स्वर्गवासी हो गया। कई बार हम ऐसी उन प्रेतात्माओं से दुखी रहते हैं, उन हवाओं से दुखी हो जाते हैं कि वो हवा ही समझ पे नहीं आती, कौन सी हवा चढ़ गई। प्रेम से कहो राधे राधे। हम सब कालब्याल बने हुए हैं। कालब्याल बनने से पूर्व हम किसके ग्रास बन जाएं, बस यही बात यदि हमारे जीवन पर समझ पे आ गई, हमारा जीवन धन्य हो गया, हमारा भागवत सुनना धन्य हो गया, भागवत अनुष्ठान करना हमारा धन्य हो गया, हमारा एकत्र होना धन्य हो गया, हमारा एकत्व का परिचय होना भी धन्य हो गया। भैया बहुत अल्प समय है, अल्पश्च काला बहुधाश्च विघ्नः, बहुत थोड़ा समय है और उस थोड़े समय पर भी बहुत विघ्न है। तो हमें ग्रास किसका बनना है मालूम है? नहीं मालूम? ऐसे ऐसे हिलाओ आप। मैं कई बार देखता हूं कि आप बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते, तो फिर मुझको कहना पड़ता है। बात समझ पे आ रही है ना? प्यारे गोविंद के ग्रास बनना है और किसी के हमें ग्रास नहीं बनना है। हो जग छोड़ के जाना है, जग छोड़ के जाना है, नहीं देर लगेगी। जग छोड़ के जाना है, नहीं देर लगेगी।
चलता है उठा सर को वो दिन भी आएगा, चलता है उठा सर को वो दिन भी आएगा। ये सर झुक जाना है, हर कर्ज चुकाना है, नहीं देर लगेगी। हर कर्ज चुकाना है, नहीं देर लगेगी। Oh, my God.